फ्रॉड इंश्योरेंस प्रीवियस पीरियड में हम लोगों ने देखा था, फिफ्थ चैप्टर स्टार्ट किया था जिसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था कि किस तरह से हमें अपनी बॉडी को हेल्दी और फिट रखनी है, और हेल्दी और फिट रखने के लिए हमें कुछ रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं, और उस रूल्स के अकॉर्डिंग अगर हम चलेंगे, साफ सफाई के रूल्स भी क्या है, क्लीनलीनेस के, साफ़ सफाई के, अगर हमारी बॉडी साफ सुथरी रहेगी तो क्या होगा, हमारी बॉडी हेल्दी एंड फिट रहेगी। इसीलिए हम लोगों ने फोर रूल्स तो देख लिए थे, आज हम नेक्स्ट आगे के रूल्स देखेंगे। वी शुड टेक बाथ डेली, ओके, हमें क्या करना है, डेली नहाना है, यस। नंबर फाइव, फोर तो हमने पहले देख लिया था, वी शुड टेक बाथ डेली, हमें क्या करना है, रोजाना नहाना है। वी शुड क्लीन एवरी पार्ट ऑफ आवर बॉडी, हमारे जो बॉडी के टोटल पार्ट्स हैं उनको हमें अच्छे से साफ करना चाहिए। ऐसे नहीं बाथरूम में गए, दो लोटे दो मगे पानी डाल लिए और स्नान हो गया, नहीं, हमें क्या करना चाहिए, प्रॉपर बॉडी पर सोप लगानी चाहिए, जो डस्ट है वो निकालनी चाहिए। एवरी पार्ट ऑफ आवर बॉडी वी क्लीन इन बाथ, बाथ में हमें नहाने में हमें क्या करना चाहिए, अपने बॉडी का हर एक पार्ट क्या करना है, क्लीन करना है। अब देखो, वी शुड वियर क्लीन क्लॉथ एंड कीप आवर सेल्फ ड्राई, ओके, हमें खुद को साफ सुथरा रखना है और क्या करना है, यस, क्लीन कपड़े पहनने हैं। सिक्स, वी शुड वियर क्लीन क्लॉथ्स, वी शुड वियर क्लीन क्लॉथ्स एंड कीप आवरसेल्फ्स टाइडी, वी शुड वियर क्लीन क्लॉथ्स एंड कीप आवर सेल्फ स्टडी, हमें क्या करना है, साफ सुथरे कपड़े पहने और खुद को भी बिल्कुल, यस, एकदम अप टू डेट रखना है, एकदम क्लीन रखना है, जैसे हाँ अपने कपड़े गंदे रहेंगे तो लोग कहेंगे कितने अच्छे दिखोगे आप, नहीं, वही आप साफ सुथरे कपड़े पहनोगे तो स्मार्ट दिखोगे, है ना। इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, क्लीन क्लॉथ पहननी चाहिए और खुद को साफ सुथरा रखना चाहिए। वी शुड आवर हेयर कॉम देम प्रॉपरली, यस, आजकल बच्चे स्टाइल में रहते हैं, बालों में तेल नहीं लगाते, तो हमें क्या करना चाहिए, वी शुड ऑयल आवर हेयर, अपने बालों में तेल लगाना चाहिए। नंबर सेवन, वी शुड ऑयल आवर हेयर, अपने बालों में हमें क्या लगाना है, तेल लगाना है, और क्या करना है, कॉम देम प्रॉपरली एंड कॉम देम प्रॉपरली, हमें अपने बालों में तेल लगाना है और उसको कॉम करते रहना है। अगर हम कॉम नहीं करेंगे तो आपके बाल कैसे दिखेंगे, इमेजिन करो, आप भी बहुत गंदे दिखोगे फिर अगर आपके बाल कॉम नहीं किए हुए होंगे, और खासकर गर्ल्स के बाल लंबे होते हैं, तो बाल लंबे होते हैं अगर कॉम नहीं करेंगे तो क्या होता है, यस, जम जाते हैं ना, उसमें गंदगी भी जम जाती है, फिर मम्मी को, जब मम्मी कॉम करती है तब आप रोते हो, मेरा दर्द हो रहा है,
यही आप अगर कंटिन्यू डेली के डेली फॉर्म कर लोगे ऑयल लगा के, तो आपकी ये प्रॉब्लम नहीं रहेगी। नेक्स्ट है, वी शुड यूज हैंकरचीफ इफ वी हैव कॉल्ड व्हेन वी स्नीज। हैंकरचीफ मीन्स रुमाल। अगर हमें सर्दी जुकाम कुछ लगा हुआ हो तो हमें क्या करना चाहिए, अपने पास अपनी रुमाल रख लेनी चाहिए और उसी रुमाल को, अभी तो कोरोना चल रहा है, कोरोना में आपको बार बार कहा जाता है, पहले तो आपको कहा जाता है या तो अपने हाथ रखो, यस रुमाल रखो, ऐसे कहा जाता था। अब आपको एवरी टाइम एवरी आफ्टर 30 मिनट्स आपको बार बार क्या करना है, हैंड वॉश करना है, ओके। और छींकते वक्त भी आपको एक बताई गई, अगर आप छींकोगे तो सामने वाले पे आपके क्या होंगे, तो आपके मुंह में सलाइवा रहती है, उसके कुछ भी सामने चली जाती है, अपने मुंह में जो जर्म्स रहते हैं वो सामने चले जाते हैं, इसलिए क्या करते हैं, हाथ रखो। आजकल हाथ रखना नहीं है, आजकल क्या करना है, ये इस तरह से, यस। और क्यों, क्योंकि अभी कोरोना चल रहा है, कोरोना में आप लोगों को इसी तरह से बताया हुआ है कि आप इस तरह से छींकोगे, ओके। देन हैंकरचीफ रहेगी तो आप हैंकरचीफ को फोल्ड करके अपने पॉकेट में रखोगे और उसको टाइम टू टाइम वॉश करते रहोगे, धोते रहोगे, ऐसे नहीं है आज हुआ यूज़ किया हुआ हैंकरचीफ आपने रख लिया और वापस दूसरे दिन वही ले लिया, नो, डेली उसको क्या करना है, आपको क्लीन करना है। तो यहाँ आएगा वी शुड यूज हैंकरचीफ, वी शुड यूज हैंकरचीफ इफ वी हैव कॉल्ड, वी हैव कॉल्ड और व्हेन वी स्नीज, और व्हेन वी स्नीज, आपको क्या करना है, जब छींकते वक्त आपको हैंकरचीफ का यूज करना है। अब नेक्स्ट है, वी शुड वॉश आवर हैंड्स, राइंस आवर माउथ आफ्टर एवरी मील, यस। खाना खाने से पहले और खाना खाने के बाद हमें प्रॉपर अपने हाथ और माउथ दोनों क्या करने हैं, धोने। वी शुड वॉश आवर हैंड्स एंड राइज आवर माउथ आफ्टर एवरी मील, यस आफ्टर एवरी मील। हर जितनी बार भी हम खाना खाते हैं, कुछ भी नाश्ता वगैरह करते हैं, उसके बाद हमें क्या करना चाहिए, अपने हैंड वॉश करने का चाहिए और अपने माउथ को भी राइज करना चाहिए। नेक्स्ट है, वी शुड वॉश आवर हैंड्स एंड माउथ एवरी डे आफ्टर एवरी मील, हर खाने से बाद, खाने के बाद में हमें क्या करना चाहिए, अपने हाथ वॉश करने चाहिए और माउथ राइंस करना चाहिए। और सबसे मेन, वी शुड कीप आवर सराउंडिंग्स क्लीन, क्या आएगा, मेन we should keep our surrounding clean,
हमें क्या करना चाहिए, अपने आसपास की जगह, अपने चारों ओर की जगह क्या करनी चाहिए, साफ सुथरी रखनी चाहिए। गंदगी में नहीं बैठना है। क्लास में बैठते वक्त भी शार्पनर, जब आप पेंसिल शार्प करते हो तो शार्प किया हुआ कचरा क्लास में डस्टबिन रहता है उसमें डालना चाहिए। अगर आप एवरी पीरियड में खड़े होकर नहीं डाल सकते तो क्या कर सकते हो, आप अपने पास में बॉक्स में डाल के फिर बाद में जब लंच होती है, बीच में ब्रेक होता है, तो आप क्या कर सकते हो, उसमें डस्टबिन में डाल सकते हो। अपना चारों ओर का कचरा हमें डस्टबिन में ही डालना है। ऑल द रबिश शुड बी थ्रोन इन द डस्टबिन। सारे कचरे हमें किस में डालने हैं, डस्टबिन में डालने हैं। आवर चैप्टर इज कंप्लीट। आपको इसमें, इस चैप्टर में अपने बॉडी के केयर किस तरह से करनी चाहिए, बॉडी को हेल्दी रखने के लिए कौन कौन से रूल्स फॉलो करने चाहिए, ये सारा इसमें बताया गया है। ये आपको क्या करना है, अपने नोटबुक में राइट डाउन करो। ओके, यस, एवरी स्टूडेंट्स राइट इन आवर नोटबुक विथ क्लीन हैंडराइटिंग। नीट एंड क्लीन हैंडराइटिंग चाहिए। ओके, समझ में आ रहा है। ये सारे रूल्स आपको अपने नोटबुक में राइट आउट करने हैं। नेक्स्ट पीरियड में हम इसकी एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। तब तक थैंक यू बच्चों।